आज का वीडियो होगा गेट रेडी विद मी। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। सबसे पहले हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर करना होता है ताकि हमारा जो मेकअप हो वो फ्लॉलेस दिखे। तो मैं पहले अपनी स्किन को प्रेप करूंगी। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है। तो जो भी है मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो सेकंड स्टेप में होता ये है कि हमें अपने फेस पे प्राइमर लगाना होता है। अगर हम प्राइमर ना लगाएं तो हमें पिंपल्स हो सकते हैं या बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एक एलोवेरा जेल होता है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्राइमर का काम करता है और वो नॉन ग्रीसी भी होता है। आप ममा अर्थ का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत बड़ी बॉटल है लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है, मैं आपको किसी और दिन उसका रिव्यू भी दे दूँगी अगर आप चाहोगे। तो चलो हम प्राइमर लगाते हैं। तो गाइस मैं ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और ये जो मेरा प्राइमर है ये मेरे पोर को भी मिनिमाइज कर देगा। तो ठीक है, हम देखते हैं इसका टेक्स्चर कैसा है। इसका थोड़ा पीच जैसा कलर है और वैसे मैंने बहुत ले लिया, हम इसकी लिटल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है। तो हम इसको अपने जहाँ जहाँ आपको लगता है आपके पोर्स हैं वहाँ पर वहाँ वहाँ इसको लगा सकते हैं। मैं अपने फोरहेड पे भी लगा लूँगी, मुझे पिंपल्स बहुत हो रहे हैं। सो मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अपने फेस पे। कुछ लोग आई थिंक ब्रशेज का भी यूज़ करते हैं बट मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ नहीं तो बहुत वैसे ही करेंगे। जब हम अच्छे से लगा देंगे तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो चुके हैं। कैमरा भी इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन ट्रस्ट में हो गए हैं। तो प्राइमर लगाने के बाद मैं अपने जो मेरे डार्क स्पॉट्स हैं पिंपल के स्कार्स हैं एक्ने स्कार्स उनको हाइड करने के लिए मैं अपनी शेड से एक डार्क शेड का कंसीलर यूज करूंगी। तो जस्ट वेट, इसको मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर दूंगी। देख सकते हैं अब मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, स्कार्स पड़े हैं मुझे, तो मुझे थोड़ा और यूज़ करना पड़ेगा। और ये ना बहुत अच्छी टिप है गाइस, अगर आपको अपने हाइड करने हैं स्कार्स तो आप इस प्राइमर की हेल्प से जो आपके शेड से डार्कर शेड होगा ना थोड़ा सा डार्कर उसको लगा के थोड़ा सा करें तो आपका हाइड हो जाएगा सारा स्कार्स। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा घर थोड़ा रोड हेड पे है सो यू नो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको थोड़ा सा डैब 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 करके ब्लेंड करूँगी क्योंकि अब मेरी मुझे लगता है कि मेरे से हो नहीं रहा है अच्छे से। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल डैब डैब ही किया है, मैंने बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो इसके जो मेरा फेवरेट काम है हम फाउंडेशन लगाएंगे। ये है Maybelline की सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। तो मैं यही यूज करती हूँ आजकल क्योंकि मैं आपकी तरह ही हूँ, आई एम नॉट प्रो। तो ये जो मेरी वीडियो होगी ये अभी जो टीनेजर्स हैं जिनको नया मेकअप का शौक है वो इसको बहुत
अच्छे से देख सकती हो और एक एक स्टेप करके फॉलो कर सकती हैं, और आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी डिले। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी उस चीज़ पे जो आप मुझसे पूछोगे। तो मैं इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा दूंगी। लेते हैं तो अब हम इसको भी ब्लेंड करेंगे और मैं इसको डैब डैब करके ही ब्लेंड करूंगी। इससे ना आपकी जो फाउंडेशन होती है वो बहुत अच्छे से अपनी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। बहुत हल्के हाथों से आपको इसको डैब डैब करना है जैसे मैं कर रही हूँ। माय फर्स्ट वीडियो, सो आई डोंट नो वीडियो को कैसे फिल्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, बट आई एम ड्राइंग। तो अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और रिव्यूज़ ला सकूं। ब्लेंड हो चुकी है, आप थोड़ा सा अपने गर्दन पे भी लगाएंगे ताकि अनइवन ना लगे आपकी स्किन। सॉरी, मुझे कंसीलर बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत अफोर्डेबल भी है, और कॉलेज गोइंग गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको सब लिंक्स दे दूंगी। ये बहुत, जो मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत अफोर्डेबल है, आप हर अपने महीने की पॉकेट मनी से एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो मैं थोड़ा इस टाइप से लगाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं लगाना है। एक्चुअली मैं थोड़ी बीमार थी ना, तो मेरे को डार्क सर्कल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, बट ठीक है। ब्लेंड करेंगे वैसे ही डैप टैप करके, ठीक है। माय स्किन वाज डाइंग सीरियसली। मेरी स्किन अभी तो गाइस बहुत अच्छी है, अभी एक हफ्ता पहले माय स्किन वाज डाइंग सीरियसली। तो हम अपने अंडर आईज को सेट करेंगे ताकि हमें क्रीज ना हो। तो ये लैक्मे का है गाइस, पर मैं आपको एक कॉम्पैक्ट पाउडर चाहती हूँ। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ, और मैंने जस्ट मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी सिखाती हूँ। जब मैंने सीखा तो मैंने यूट्यूब से सीखा था, और सब यूट्यूब से ही सीखते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। तो हमने अपने फेस को सेट कर लिया है। फ्लफी ब्रश लेंगे, बहुत मेरे पास है स्विस ब्यू, मेरे पास है कलर बार का ब्लश शेडो पैलेट, और ये टूट चुका है, दो शेड इसमें टूट चुके हैं। 06 है इसका, नहीं 01, पर बहुत सुंदर शेड कलर। मैं सारा लिंक दे दूंगी, मैं बार बार कहती हूँ, मैं थोड़ा सा लूंगी और इसको थोड़ा सा ऐसे करके
आई जस्ट लुक देखो उंगली की हेल्प से करने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये जो आई शेडोज होते हैं ना ये ना उंगली से बहुत ही लाइट ब्राउन शेड है एक्चुअली तो इसको मैं ले लूंगी और इसको ब्लेंड करूंगी अपने आई पे तो मैंने मस्कारा लगा दिया है तो आप पहले अपना लिप्स प्लीज प्रेप कर लेना लिपस्टिक लगा दी है और ये बहुत सुंदर कलर है और इसका ये है प्लम 12 मेरी आईज बहुत वाटरी हो रही है आई डोंट नो व्हाई बट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा लिपस्टिक लगा लेती हूँ उसमें पहले तो उसके बाद हम अपना आईब्रो बनाएंगे तो मेरे पास है फेसेस कनाडा की ज़्यादा लगा दिया